الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طلبة عزيز، آج ہم آیت نمبر 118 یعنی وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اس آیت کریمہ کی تشریح سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں. دراصل یہ آیت تین انصاری صحابی حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم سے متعلق ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آپ بیتی تفصیل سے ذکر کی ہے، جو حدیث کی دوسری کتابوں کے علاوہ بخاری و مسلم میں بھی نقل کی گئی ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے علاوہ صرف غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو پایا، کیونکہ بدر میں ہر ایک کو شرکت کی پابندی نہیں تھی. اس کے علاوہ کسی غزوے سے بھی غیر حاضر نہیں رہا، بلکہ میں تو بیعت عقبہ میں بھی شریک رہا، جو مجھے غزوہ بدر کی شرکت سے بھی زیادہ محبوب ہے. حقیقت یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں بالکل صحت مند و توانا تھا، اور مجھے دو دو سواریاں میسر تھیں. مسلمانوں کا بڑا مجمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہاد میں جاتے ہوئے قبل از وقت منزل سے آگاہ نہیں کرتے تھے، لیکن غزوہ تبوک کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلع بھی فرما دیا تھا. یہ موسم پھلوں کے آنے کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ نکل گیا، اور میں یہ سوچ کر آج کل کرتا رہا کہ میرے پاس تو سواری ہے، میں بعد میں بھی نکلا تو پہنچ جاؤں گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل کو پہنچ گئے اور میں نہیں جا سکا، تو مجھے یہ دیکھ دیکھ کر بڑا رنج ہوتا تھا کہ مدینے میں بچے ہوئے لوگ یا تو معذورین تھے یا منافقین. یہاں تک کہ اطلاع ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے ہیں. اب میری فکر بڑھنے لگی اور سوچنے لگا کہ کیا بہانہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دور کروں. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے. حسب معمول سفر سے واپسی کے بعد
मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा फरमाई और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए। अब पीछे रह जाने वाले लोग आ आकर माजरत करने और कस्में खाने लगे। ये 80 से कुछ ऊपर लोग थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी ज़ाहिरी माजरत खाही को कबूल करते गए और इनके मामले को अल्लाह के हवाले फरमाते चले गए। यहाँ तक कि मैं हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मुस्कुराए जैसे कोई नाराज शख्स मुस्कुराता है, जैसे कोई नाराज शख्स बादिले नाखास्ता मुस्कुराता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस तरह मुस्कुराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सामने आने का हुक्म दिया। मैं आकर बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने सवारी खरीदी नहीं थी? तुम क्यों पीछे रह गए? मैंने अर्ज़ किया, अगर मैं आपके अलावा दुनिया की किसी और शख्स के सामने होता तो कोई बहाना करके निकल जाता, लेकिन मुझे मालूम है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह ताला आपको मुत्तला फरमा देंगे। हकीकत यह है कि मुझे कोई उज़्र नहीं था। मैं उस वक्त जितना सेहतमंद था और राहत की हालत में था पहले कभी नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सच बोल रहा है। फिर मुझसे फरमाया, इसलिए तुम खड़े हो जाओ यहाँ तक कि ख़ुद अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में फ़ैसला कर दें। लोगों ने मुझे समझाया कि तुम भी कोई उज़र कर देते, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार कर देते तो तुम्हारा गुनाह माफ़ हो जाता। मैंने दरियाफ्त किया, क्या मेरी तरह किसी और ने भी इस तरह की बात कही है? लोगों ने कहा, हाँ, मुरारा बिन रबी और हिलाल इब्ने उमैया। मुझे इत्मीनान हुआ इसलिए कि ये दोनों बद्र के शुरका में थे और नेक लोगों में थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म फरमा दिया कि कोई हमसे बात भी न करे। मैं मस्जिद आता, नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठता, सलाम करता और गौर करता कि जवाब के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक होंठों में जुम्बिश हुई कि नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब नमाज पढ़ता और चोरी चोरी आपकी निगाह को देखता। जब मैं नमाज की तरफ मुतवज्जे रहता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते, और जब मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता तो निगाह फेर लेते। मदीना अपनी वसअत के बावजूद मुझ पर तंग हो चुका था। इसी को कुरान करीम ने कहा है, वदाकत अलैहिमुल अर्दु बिमा रहबत। इसी दौरान एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बाज़ार में था कि शाम का एक शख्स जो ग़िज़ाई अशिया बेचने के लिए मदीना आया था मेरे बारे में पूछ रहा था। लोगों ने मेरी तरफ इशारा कर दिया। उसने मुझे गस्सान के बादशाह का ख़त दिया जिसमें लिखा हुआ था, हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारे साथी ने
तुम्हारे साथ ज़्यादती कर रखी है, हालांकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ज़िल्लत का दर्जा नहीं रखा है, इसलिए तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे गमखार हैं। मैंने जब ये ख़त पढ़ा तो कहा कि ये भी एक आजमाइश है। मैंने उसे तन्नूर में डालकर जला दिया, यानी चूल्हे में डालकर जला दिया। जब 40 दिन गुज़र गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद आया कि तुम अपनी बीवी से भी अलग हो जाओ। मैंने दरियाफ्त किया, क्या मैं उसको तलाक दे दूँ? कासिद ने कहा, नहीं, अलबत्ता उसको अलग कर दो और उससे सोहबत न करो। यही हुक्म हमारे उन दोनों साथियों को भी दिया गया। हिलाल इब्ने उमैया चूंकि उम्र दराज और ज़ईफ थे और रोते रोते उनका बुरा हाल था, इसलिए उनकी बीवी की दरख्वास्त पर उन्हें खिदमत करने की हद तक शोहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी गई। मैंने कहा कि मैं तो जवान आदमी हूँ, मैं इसकी इजाज़त नहीं मांगूँगा। 10 दिन और गुज़र गए, यहाँ तक कि 50 दिन पूरे हो गए और मैं फजर की नमाज़ पढ़कर अपने मकान की छत पर इसी फ़िक्र में रंजीदा बैठा हुआ था कि सला की पहाड़ी से एक शख्स को आवाज़ देते हुए सुना, खुश हो जाओ। मैं समझ गया कि अल्लाह ताला की तरफ से माफ़ी आई है। चुनांचे फौरन सजदे में गिर पड़ा। लोग मुझे तौबा कबूल किए जाने की मुबारकबाद देने लगे। मैं मस्जिद पहुंचा जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक रहा था, ऐसे कि गोया चाँद का टुकड़ा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी पैदाइश के बाद सबसे मुबारक दिन की खुशखबरी है। क्या जुमला फरमाया? तुम्हारी पैदाइश के बाद सबसे मुबारक दिन की खुशखबरी है। मैंने दरियाफ्त किया, ये खुशखबरी अल्लाह ताला की तरफ से है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ से। मैंने अर्ज़ किया, इस तौबा की खुशी में मेरा पूरा माल अल्लाह और उसके रसूल की खिदमत में पेश है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ माल अपने पास भी रखो, ये तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। मैंने अर्ज़ किया, मैं अपना खैबर वाला हिस्सा अपने पास रखता हूँ। इसी मौके पर क़ुरान मजीद की ये आयात नाजिल हुईं। तलब अज़ीज़, एक तफसीली वाक़िया आप लोगों को बताया गया जो दरअसल आयत करीमा का शान नुज़ूल है, लेकिन हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़े में नसीहत के बहुत से पहलू पोशीदा हैं। अव्वल ये कि आदमी को हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ बोलकर वक्ती फ़ायदा तो उठाया जा सकता है लेकिन अंजाम-ए-कार ये चीज़ इंसान के लिए ज़िल्लत और रुसवाई का सबब होती है। दूसरे
अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करने में कितनी भी आजमाइश आए, एक मुसलमान की शान ये है कि वो हमेशा अल्लाह का, उसके रसूल का और मुसलमानों का वफादार रहे। इस्लाम दुश्मन ताकतों का आलयकार न बन जाए। जैसा कि शाह गस्सान के मामले में हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तीसरे जिस काम का जो वक्त मुकर्रर हो उसको उसी वक्त कर लेना चाहिए, ताखीर और टाल मटोल से बाज़ दफ़ा मुखलिस होने के बावजूद इंसान उस काम को नहीं कर पाता। चौथे, बुराई को रोकने के लिए हिकमत के साथ दबाव का तरीक़ा भी इख्तियार करना चाहिए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के तो हीले बहाने कबूल फरमा लिए, लेकिन चूँकि इन सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के इखलास पर पूरा इत्मीनान था, इसलिए इनकी सरजनिश फरमाई। पांचवें, खिलाफ शरा काम पर कतई ताल्लुक करना जायज़ है। ताल्लुकात ख़त्म करना, बोल चाल बंद करना जायज़ है, जैसा कि हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ किया गया। अलबत्ता उम्मत के लिए 3 दिनों से ज़्यादा आम हालात में सलाम व कलाम तर्क करने की, छोड़ने की ममानअत है, यानी इजाज़त नहीं है। छठी बात यह है कि जब कोई ख़ुशी की बात हो तो सजदे शुक्र अदा करना चाहिए और सदका भी करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि हाथ बिल्कुल खाली हो जाए। सातवें, जब कोई ख़ुशी की बात पेश आए तो मुबारकबाद देना चाहिए, ख़ासकर अगर दीनी पहलू से कोई अच्छी बात सामने आई हो। आठवें, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की ख़ताएँ भी इस पहलू से उम्मत के लिए नमूना हैं कि वो अपनी ख़ताओं पर किस दर्जा नादिम और शर्मसार हुआ करते थे। अल्लाह ताला हमको इन मुक़द्दस हस्तियों के नक्शे कदम पर चलने की हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फ़रमाएँ। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।